बुरे वक्त में भी यह चार बातें करो खुश होने के लिए, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से सेक्स रोग संबंध व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज ऐसी बातें बताने वाला हूँ, चार टिप्स, कि आपका बुरा समय है, बुरे वक्त है, अच्छा नहीं लग रहा है, तभी भी यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और आप खुश हो जाओगे। तो ऐसी कौन सी चार बातें हैं, क्योंकि क्या है कि समय बोल के नहीं आता, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी परिस्थिति अच्छी रहती है, कभी परिस्थिति बुरी रहती है, मगर हमने खुश कैसे रखना हमको सीखना पड़ेगा। तो पहली टिप जो है वो है कि भाई हरदम यह ख्याल में रखो कि आनंद जो है वो हमारे दिमाग के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर घटना होती है वो होती है, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो घट रहा है वो घटित हो रहा है। हम उसको क्या मीनिंग लगाते हैं उसके ऊपर हमारा अच्छा या बुरा लगना डिपेंड करता है, उसके ऊपर है वो। बाहर जो घटना हो रही है, कोई पास होता है वो 35% मार्क्स लेके पास होता है, दूसरा व्यक्ति भी 35% मार्क्स लेके पास होता है, मगर एक के घर में मातम बनाया जाता है क्योंकि उसको अपेक्षा थी कि 80 मिलेंगे, 80% मिलेंगे, उसको 35 मिल गए, और दूसरे के घर में जो है वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, बोले पप्पू पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाहर कुछ नहीं, दोनों की देखो दोनों की मार्कलिस 35% ही बता रही, मगर एक के घर में जश्न मनाया जा रहा है, एक के घर में मातम मनाया जा रहा है। तो आनंद अंदर है, अपन उसको क्या मीनिंग लगाते हैं उसके ऊपर है। तो खुश रहो हरदम और खुश अर्थ लगाओ। नंबर दो है कि खुद के लिए जीना सीखो। देखो हम भाग रहे भाग रहे भागम भागी चालू है, लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, लोग बोलते नहीं पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए पैसा, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, मगर हर बात हर समय पैसे के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए समय निकालो, अपने लिए समय निकालो। जैसे अपना कोई हॉबी है, छंद है, तो हॉबी अपनी अपने करना चाहिए, वो कोई खेल खेलना है तो खेलो, कहीं बाहर घूमने जाना है जाओ, पिकनिक करना है पिकनिक करो, मेडिटेशन करो, पार्टी करना है दोस्तों के साथ में पार्टी करो, मतलब जिसमें आपको अच्छा लगता है वो करो। और जब कभी बुरा समय आता है तो डेफिनेटली जब आप लोगों के साथ में जाते हो, लोगों के साथ में रहते हो, पार्टी करते हो, तो कभी भी आपको अच्छा ही लगेगा। फिर नंबर तीन है कि छोटी छोटी बातों में खुशियाँ आप जान लो या खुशियाँ मना लो। छोटी छोटी बात रहती है मगर उसमें भी खुशी, आप खुशी से करेंगे वो काम, कुछ भी रहा तभी तो उसमें मज़ा आपको आना चाहिए और मज़ा आपने उसमें लाना चाहिए। एक जो है नौकर, बड़े घर का नौकर है, उसके घर में एक बड़ा कुत्ता भी है, तो नौकर बड़े प्यार से कुत्ते को खिला रहा था, उसको उसमें बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़े आ रहा था, बहुत प्यार से वो उसको खिला रहा था। मैंने उसको पूछा भी क्या हो गया, इतना प्यार से तो खिला रहा है, और देखो मैं अकेला हूँ, मुझे ना माँ बाप ना मेरा घर का कोई है, जो भी है वो मेरा कुत्ता ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं उसे प्यार से खिला रहा हूँ, बहुत प्यार है और उसके से मैं जी भी नहीं सकूँगा। मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों में आप प्यार करना सीखते हैं, प्यार भरा आनंद, मतलब हर बार आनंद मिलाते हैं, तो डेफिनेटली आप परिस्थिति कैसी भी रहो आप खुश रहेंगे। चौथा पॉइंट है कि वर्तमान में जीना सीखो, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। क्या होता है कि हमारा 90% टाइम जाता है पास्ट के बारे में, उसके बारे में चर्चा, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा, सब अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में है। 9.9% समय जाता है, 9.999% समय जाता है फ्यूचर के बारे में चिंता करने में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, और उसमें चिंतित हो जाते हैं। 0.001% टाइम भी हमारा प्रेजेंट में रहता नहीं होगा। हम यदि प्रेजेंट में रहते हो तो बहुत ही मजा आएगा। और प्रेजेंट टू द प्रेजेंट मतलब क्या है, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट मतलब स्नान करने के समय स्नान कर रहे, खाना खाने के समय खाना खा रहे, बात करने के समय बात कर रहे, काम करने के समय काम कर रहे, और पूरा फोकस आपका उसके ऊपर है। यदि आप वर्तमान में जीते हो तो बहुत आपको आनंद आएगा, सितम प्रज्ञता मालूम होगी, एक समाधि अवस्था का अनुभव आपको आएगा। तो डेफिनेटली आप बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट ऐसा जियो, आपको फायदा हो जाएगा। ये चार बातें यदि आप लाते हैं तो परिस्थिति कैसी भी रहो आपको बहुत आनंद आते जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये
आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।